जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहू अर्पे नहीं जाके, कंचन माटी माने। श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक देव जी द्वारा चलाए गए सिख धर्म अंदोलन के 9वें अध्यात्मिक गद्दीदार सन। आप जी का जन्म 6वें गुरु श्री हर गोविंद जी के घर माता नानकी जी की कुखों सन 1621 विच अप्रैल दे महीने पवित्र शहर अमृतसर विच होया सी। आप जी का बचपन का नाम त्यागमल सी। गुरु साहब बचपन तो ही शांत सुभा दे नाल नाल बहादुर निडर अते अध्यात्मिक रुचि वाले महापुरुष सन। आप जी ने विद्या प्राप्ति दे नाल नाल शस्त्र विद्या भी हासिल कीती। 14 साल दी उम्र विच जदों आप जी ने मुगलां दे हमले विरुद्ध लड़ाई विच अपने पिता नाल तलवार दे जौहर दिखाए तो आप जी दे पिता आप दी बहादुरी तो प्रसन्न होए ते आप जी दा नाम तेग बहादुर यानी तलवार दा धनी रख दिता। जिस उम्र विच बच्चे खेडन विच रुचि रखते हैं आप जी उस उम्र विच परमात्मा दे सिमरन विच घंटो बतीत करते सन। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव जी तो बाद सिख गुरुआं दी पवित्रता अते ब्रह्मता दे प्रकाश नूं अगे वधाया। गुरु साहिब दीआं अध्यात्मिक लिखतां परमात्मा दी प्रकृति मनुखी सोच तन मन दुख माण सेवा मौत अते मुक्ति वर्गे विभिन्न विषयां दा वेरवा दिंदियां हन। आप जी दीआं 116 रचनावां पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन। जदों आप जी की उम्र ब्याह योग हुई तो आप जी के पिता ने आप जी का ब्याह करतारपुर निवासी भाई लालचंद की सपुत्री माता गुजरी जी नाल 1632 ईस्वी करा दिता। 43 वरिया की उम्र विच आप जी ने गुरुगद्दी संभाली और उस तो बाद गुरु नानक देव जी दीआं सिक्ख्यावां दा प्रचार करते हुए देश भर की यात्रा की। इन्हां यात्रावां दौरान आप जी ने आनंदपुर साहिब की भी स्थापना की जिसनों खालसे की जन्म भूमि कहा जाता है। गुरु साहब जिथे भी गए उत्थे भाईचारक रसोईयां अते खूहां की स्थापना की। फिर वह समा आया जदों औरंगजेब गैर मुसलमानों नूं मुसलमान बनाउण की मुहिम चला रहा सी। इसकी शुरुआत उसने कश्मीर तो की। औरंगजेब के जुल्मां तो डरते हुए ते अपने धर्म नूं बचाउण लई कुछ कश्मीरी पंडित आप जी की शरण विच पहुँच गए। आप जी ने कश्मीरी पंडितों नूं औरंगजेब नूं ये कहण लई कहा कि अगर साडे गुरु इस्लाम कबूल कर लैणगे तां असीं भी मुसलमान बन जावांगे। कश्मीरी पंडित आप जी का यह जवाब औरंगजेब नूं देण लई दिल्ली वल निकल गए तो दूसरी तरफ आप जी ने भी दिल्ली वल चाले पा दिते। आप जी दे दिल्ली पहुंचन की जानकारी औरंगजेब नूं लग गई अते दिल्ली पहुंचन तो ही पहला आगरे विच आप जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। सब तो पहला औरंगजेब ने आप जी नूं कई तरह के लालच दिते ताकि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन जदों उसका कोई मनसूबा कामयाब नहीं होया तो फिर उसने तसीहे देने शुरू कर दिते। लेकिन अडोल गुरु तेग बहादुर जी ने उसके हर अत्याचार का शांति नाल मुकाबला किया अते अपने धर्म के प्रति दृढ़ता नूं हरेक वार साबित किया। आखिरकार जदों औरंगजेब के सारे तरीके मुक गए अते गुरु जी के तीरज अते संजम का वह सामना नहीं कर पाया तो उसने गुस्से विच आके गुरु साहिब का सिर कलम करन दा आदेश जारी कर दिता। फिर वो कैर वाला दिन आया जदों चांदनी चौक विच हजारा दी गिनती विच मौजूद लोकां दे सामने गुरु साहिब दा तलवार नाल सिर धड़ तो अलग कर दिता गया। उसे शहीदी अस्थान ते गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी विराजमान हन। इस तो बाद उन्हां नूं हिंद दी चादर क्या जान लग्या। इतिहास विच शहीदियां तां बहुत हुईयां पर अजिही शहीदी जो अपने लई नहीं अपने भाईचारे लई नहीं मानवता अते हिंदू धर्म नूं बचाउण लई सी रहिंदी दुनिया तक याद कीती जावेगी। गुरु साहिब दी शहादत इतिहास विच बेमिसाल है। हर सिख नूं माण है अजिहे निडर अते अडोल गुरु ते। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिद आवे ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन वल्लों श्री गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिवस दे मौके ते कोटि कोटि प्रणाम।